देश में करोड़ों का गबन कर भगोड़े बने एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने बड़े से कैसल में अपने जन्मदिन की एक बड़ी सी पार्टी थ्रो की है और आमंत्रित हैं सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। लेकिन जैसे जैसे पार्टी अपने शबाब पर चढ़ती है, मेहमानों की नीयत खुलने लगती है और महफिल का रंग लाल होने लगता है। निर्देशिका अनु मेनन ने बायोपिक शकुंतला देवी के बाद क्राइम थ्रिलर जॉनर ट्राई किया है अगाथा क्रिस्टी के नोवेल सरीका, जो आपको कहीं ना कहीं नाइव्स आउट या फिर मोहनलाल अभिनीत रिसेंटली रिलीज टॉल्थ मैन की याद दिलाएगी। फिल्म फर्स्ट हाफ में अपने किरदारों को एस्टेब्लिश करती है और सेकंड हाफ में मिस्ट्री अनफोल्ड होने लगती है। यूं तो फिल्म में राहुल बोस, शशांक करोड़ा, नीरज काबी, सुहाना गोस्वामी जैसे कलाकार हैं, पर विद्या बालन और राम कपूर के सिवा कोई भी आपको फिल्म के बाद याद नहीं रहता। हाँ, कौसर मुनीर का टाइटल सॉन्ग आपको जरूर याद रह जाएगा। कौसर ने ही इस फिल्म के संवाद भी लिखे हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स के ट्विस्ट के बाद एक और ट्विस्ट आता है जिसमें एक बड़ी एक्ट्रेस का कैमियो भी है, जो मुझे लगता है कि फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। यानी कि फिल्म का जो क्लाइमेक्स का पार्ट है वो डबल ट्विस्टेड है और बहुत अच्छा है। यही वो पार्ट है जब फिल्म खत्म होते होते शायद आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके दो घंटे पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुए। BGM प्रेडिक्टेबल है। ओवरऑल फिल्म विद्या बालन और राम कपूर के लिए एक बार देखी जा सकती है, एक ठीक ठाक वन टाइम वॉच है। और फिल्म की बात की रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 2.5 स्टार्स की।